राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी जुगल किशोरी। आज तो वैसे हमको ज्यादा टाइम नहीं मिला इधर उधर कान लगाने का, लेकिन जितना भी कुछ अपने पड़ोसियों से पता लगा है ना, सब कुछ आपके लिए लेकर आए हैं हम। पहले अनुपमा के घर चलते हैं, जहाँ उसकी जेठानी बरखा आई हुई है। अरे बहुत ही खड़ूस औरत है। हम गए थे अनुपमा के घर चीनी मांगने, लेकिन कहती है हम तो शुगर फ्री वाले इंसान हैं। खैर छोड़ो, हम तो पंडितायन से चीनी ले आए, लेकिन एक बात हम आज आपसे कह रहे हैं, हमसे लिखवा लीजिए कि जो जेठानी जी है ना, ये कोई बड़ा कांड करने वाली हैं। अरे जैसे ही उसको पता चला कि सारा बिजनेस और घर अनुपमा के नाम है, बरखा ने तो सर ही पकड़ लिया। अब बौखलाई हुई सी है कि कैसे अनुज और अनुपमा को कंगाल किया जाए। अब बरखा आदि यानी अपने भाई को बिजनेस में लाने की सोच रही है, क्योंकि उसका पति तो कुछ करता नहीं है, उसको तो उस पर भरोसा ही नहीं है। बेचारे हमारे अनुज अनुपमा उन पर भरोसा किए बैठे हैं। भरोसा तो अक्षु को भी अभिमन्यु पर है कि वो हमेशा उसका साथ देगा, लेकिन अपने पिता की बोल खुलते ही सारा दोष अक्षरा को देने लगा। कहने लगा जो कुछ हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ। इधर अक्षु की सास मंजरी भी सारा इल्जाम उस पर लगाती है। वहीं नील गुस्से से घर छोड़कर चला गया है, लेकिन आरोही उसे ढूंढ लाती है। अब नील आरोही की बात मान ले, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। ये सारा कांड वैसे किया हुआ आरोही का ही है। अब पता नहीं नया क्या करने वाली है ये लड़की। एक कारनामा तो हमारी प्रीता ने भी कर दिखाया। प्रीता ने ऋषभ और सृष्टि के साथ मिलकर नताशा से सच उगलवा लिया। प्रीता ने ऐसा जाल फेंका कि नताशा अपने आप जाल में मछली की तरह फंसने चली आई। फिर क्या, नताशा बोलने लगी तोते की तरह सारा सच। लेकिन नताशा और शर्लिन पूरी कोशिश कर रही है कि प्रीता और करण के बीच फूट पड़ जाए। दोनों मिलकर करण से कहती है कि प्रीता और ऋषभ का तो अफेयर चल रहा है, लेकिन करण दोनों को डांट कर वापस भेज देता है। अब देखो तब क्या होगा जब प्रीता करण को नताशा की रिकॉर्डिंग सुनाएगी। जो भी होगा आप तक हम हर घर की बात पहुंचाएंगे। हम आपके लिए घर घर की चुगली लेकर आते रहेंगे। राम राम।